नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मंदिरों में हमने तीन पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे मंदिर। ठीक है, आज हमारा चौथा पार्ट है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आर्ट एंड कल्चर। तो आपके सभी आप राजस्थान के जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर राजस्थान के लिए, सभी के लिए यूजफुल है दोस्तों। तो आप इनके साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महल। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख महल, और हम जिस तरीके से पढ़ेंगे तो उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहे आपको। जैसे हम पढ़ेंगे महल, तो उसमें पढ़ेंगे हम हवा महल। हवा महल भी राजस्थान में चार पाँच है, तीन चार है। ठीक है, प्रसिद्ध तो आपको पता है जयपुर का, लेकिन उसके अलावा भी है, तो हम उनको पढ़ेंगे, कंपेरिजन में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख है महलों की तरफ। तो हम पढ़ते हैं प्रमुख राजस्थान के जो कौन कौन से हवा महल है, तो हवा महलों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रसिद्ध जो हवा महल है राजस्थान में जयपुर का, वो पढ़ते हैं दोस्तों। हवा महल, पहला हवा महल लिखा रहा हूँ मैं, राजस्थान में प्रमुख जो भी हवा महल है। हवा महल ठीक है दोस्त, हवा महल जयपुर, इसका जो निर्माण है, निर्माण ये कराया था दोस्तों 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह है इस प्रकार का, इस प्रकार का दोस्तों ये ठीक है दोस्तों, यानी जो हवा महल है आपने देखा होगा कहीं पे भी, फोटो वोटो में कहीं पे भी देखा होगा, वीडियो में ऐसी है आकृति उनकी, यानी कि ये कैसे है, कृष्ण मुकुट के समान आकृति कैसी है, कृष्ण मुकुट के समान। ठीक है दोस्तों, इसकी आकृति जो है वो कृष्ण मुकुट के समान है। इसके अलावा जो भी इसकी मंजिलें हैं, मैं मंजिलों का नाम बता देता हूँ कौन कौन सी मंजिलें, लेकिन आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर ट्रिक है, सर वी पी एच, सर एस का मतलब हो जाएगा शरद मंदिर, आर का मतलब हो जाएगा रतन मंदिर, वी का मतलब हो जाएगा विचित्र मंदिर, पी का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर, और एच का मतलब हो जाएगा हवा मंदिर दोस्तों, हवा मंदिर। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली जो मंजिल है दोस्तों, इसका नाम तो है शरद मंदिर, दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का है दोस्तों विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर, पांचवी का है हवा मंदिर। और आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी पूछा भी गया था दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था आरडीसी के में, कि जो हवा महल है उसकी दूसरी मंजिल का क्या नाम है दोस्तों। तो ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसकी आकृति ऐसी है हवा महल की, इसमें आपके जाली जरों की और खिड़कियां कितनी है वो बता देता हूँ। कुल जाली जरों की, जाली जरों की तो यह दोस्तों 900, 353, तो कुल खिड़कियां लिख लीजिए, कुल खिड़कियां 953। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूज है 953, 353 में, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, 53 53 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जाली जरों के तीन है और कुल खिड़कियां है 9, मतलब ऐसे है
यानी कि इसका क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कितना होता है 3 का 9, ठीक है। तो कुल खिड़कियां तो है दोस्तों 953, और जाली जो के है 553, और 53 53 दोनों में कॉमन है। तो ठीक है, ये मैंने लिखा दी, ये है पहली मंजिल, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, खिड़कियां खिड़कियां है, और अपनी खिड़कियों के कारण ही ये प्रसिद्ध है, और ये इसी कारण से इसमें हवा बहुत आती जाती है, इसी कारण से इसको हवा महल नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी कारण से प्रसिद्ध है ये, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये कहाँ पे है, तो ये बिल्कुल जयपुर के, जयपुर में है, मेन जयपुर में, और इसकी आकृति है कृष्ण मुकुट के समान, या आप लिख सकते हो पिरामिड अनुकार, पिरामिडा अनुकार, ये पिरामिड अनुकार, ठीक है। और जो सवाई प्रताप सिंह थे दोस्तों, ये गोविंद देव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और इन्होंने अपना जो जयपुर का जो वास्तविक संस्थापक माना था, उन्होंने माना था गोविंद देव जी को, और इनके दरबार में एक ये गंधर्व बायसी नाम से एक विद्वान भी रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट हवा महल के बारे में डिटेल से बता दिया है दोस्तों। इसके आगे आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से मंदिर है। इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो इसका जो निर्माण किया था वो किस वास्तुकार ने किया था। तो वास्तुकार का आप नाम लिख लीजिएगा, वास्तुकार लालचंद उस्ताद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, लालचंद। लालचंद उस्ताद इसका, इसके क्या है, वास्तुकार है। तो मैंने आपको बता दिया पहला हवा महल, ठीक है। इसके अलावा लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से, ठीक है। मैंने आपको एक कंप्लीट हवा महल जयपुर के जयपुर वाले के बारे में फुल डिटेल से जानकारी बता दी दोस्तों। तो आप इनको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल सेकंड सेकंड है दोस्तों, सेकंड कहाँ, राजस्थान में हवा महल, हवा महल ये कहाँ पे है दोस्तों, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में दूसरा हवा महल है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल, या फिर बोल सकते हैं राजस्थान का मिनी हवा महल, या इसको बोल सकते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल, ठीक है, या दूसरा हवा महल बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं शेखावाटी का हवा महल, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश में है, शेखावाटी क्षेत्र में आता है, शेखावाटी का शेखावाटी का हवा महल, ठीक है, ये मैंने आपको नोट करा दिया। इसके अलावा ये इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था इसका निर्माण, निर्माण करवाया था दोस्तों, यहाँ के एक शासक थे भोपाल सिंह, भोपाल सिंह ने करवाया था ग्रीष्म काल में करवाया था दोस्तों, ग्रीष्म काल में करवाया था,
ठीक है, और विश्राम विश्राम ग्रह के रूप में करवाया था, विश्राम ग्रह के रूप में निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया दूसरा राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है, तो खेतड़ी झुंझुनू वाला जो हवा महल है उसको बोलते हैं। राजस्थान का मिनी हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल, शेखावाटी का हवा महल। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं राजस्थान का जो तीसरा हवा महल है वो, तो मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ नीचे, तीसरा हवा महल तो ये है दोस्तों कोटा में, कोटा में है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल। ठीक है दोस्तों, तो हमने हवा महल कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा जयपुर में कौन कौन से महल है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं दोस्तों मुबारक मुबारक महल की, मुबारक महल भी दो है, तो हम इनको कंपैरिजन के साथ ही पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी ऐसा कंफ्यूज नहीं रहे सर। मुबारक महल राजस्थान में दोस्तों मुबारक महल दो है, एक तो है, एक तो जयपुर में और एक है दोस्तों टोंक में, तो यहाँ पे लिखा था मैं आपको मुबारक महल। मुबारक महल एक तो ये, ठीक है दोस्तों, इनको हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मुबारक महल, एक तो है जयपुर वाला, एक तो दोस्तों जयपुर में स्थित है, एक तो कहाँ है जयपुर में, जयपुर में स्थित है, और एक है दोस्तों टोंक में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने निर्माण। माधो सिंह सेकंड, और इसका निर्माण कराया था वजीरोदौला ने। ठीक है दोस्तों, एक मुबारक महल हो गया जयपुर का, एक हो गया टोंक का, इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने कराया, उनका करवाया था वजीरोदौला ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और इसके क्या क्या विशेषता है, तो इसकी तो एक विशेषता है कि यहाँ पे बकरे ईद पर ऊँट की बलि दी जाती है, यहाँ पे बकरे बकरा जो ईद होती है ना उन पर ऊँट की बलि दी जाती है दोस्तों, बकरे ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बकरे ईद पर ऊंट की बलि दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है, मुबारक महल जो जयपुर का है इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है यहाँ पे दो मंजिला है ये। इसके अलावा ये क्या है, मुबारक महल ये है सीटी पैलेस या चंद्र महल, चंद्र पैलेस में चंद्र महल या सिटी पैलेस में है ये। ठीक है, मूलतः दो मंजिला है, दो मंजिला है, पहली मंजिल का क्या नाम है, एक का नाम है महकमा एकास, महकमा एकास, दूसरी है दोस्तों पोथीखाना। ठीक है, ये दो दो मंजिले इनमें। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा इसकी क्या विशेषता है, किस शैली में निर्मित है दोस्तों, तो ये है दोस्तों एक तो है हिंदू शैली में,
हिंदू शैली में, मुस्लिम शैली में। इसके अलावा यह है दोस्तों फारसी शैली में। ये हिंदू शैली में है, ठीक है, फारसी शैली में है। इसके अलावा ये मुगल शैली में है, मुगल शैली। हिंदू शैली हो गया, मुस्लिम शैली हो गया, फारसी शैली हो गया और मुगल शैली हो गया। ये तीनों शैलियों में इस प्रकार से निर्मित है दोस्तों, ठीक है। इसके मैंने आपको डिटेल बता दिया है। इसके अलावा इसका जो निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था, तो ये अतिथियों के निवास, अतिथियों के, अतिथियों के निवास स्थल के लिए करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था 1900 में, 1900 में करवाया था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको दोनों कंपैरिजन में पढ़ा दिया है दोस्तों, इसका आप नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कौन कौन से महल है और कहाँ कहाँ पे है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अलवर के जो महल है वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो चंद्र महल है दो, उनको भी आपको मैं कंपेरिजन में पढ़ा देता हूँ। एक चंद्र महल था दोस्तों जयपुर में, एक था उदयपुर में, ठीक है। चंद्र महल जयपुर का निर्माण करवाया था, जयपुर को बसाने वाले कौन थे? चंद्र महल राजस्थान में कितने हैं? दो, ठीक है। एक तो जयपुर में है, एक उदयपुर में। उदयपुर में जो है चंद्र महल, उसका निर्माण करवाया था उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह ने। इसके अलावा जयपुर का जो निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कंपैरिजन में दोनों को, चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस, चंद्र महल या सिटी पैलेस। चंद्र महल या सिटी पैलेस, चंद्र महल या सिटी पैलेस, ठीक है। इनको भी हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो एक तो है दोस्तों जयपुर में है, ठीक है। एक कहाँ पे है? उदयपुर में है। एक तो है जयपुर में, एक है उदयपुर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आगे लिखवा रहा हूँ मैं, निर्माण, निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर को बसाने वाले कौन, जयपुर को बसाने वाले कौन थे? जयपुर को बसाने वाले थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, 1727 दोस्तों, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर में जो निर्माण करवाया था इसका, ये करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया था? 1569 में करवाया था, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इसके ये बता दिए। इसके अलावा इसमें क्या क्या है, इस प्रकार का महल है, और ये जो सिटी पहले चंद्र महल है, ये है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों, सॉरी, ये रहा, ये बता देता हूँ मैं, पिछोला झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा चंद्र महल या सिटी पैलेस में आपको बताना चाहूंगा, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है दोस्तों। बाकी जयपुर के जो शासक हुए हैं उनकी सभी की छतरी कहाँ पे? गेटोर में है। लेकिन सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वह है दोस्तों जयपुर के चंद्र महल या सिटी पैलेस में, क्योंकि मतलब जब इसका माधो सिंह और जब ईश्वरी सिंह के जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, इसलाट सरगासुली इसलाट से मतलब कूद के आत्महत्या कर ली थी। तो उन्हीं की छतरी वहाँ पे बनी हुई चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस में, ठीक है।
इसके अलावा बाकी की जो भी छतरियाँ हैं, बाकी जो भी महाराज महाराजा थे उनकी जो छतरियाँ थी जयपुर की, उनकी थी गेटौर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा देता हूँ छतरी सवाई सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह की जो भी छतरी है ना वो इसी में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या है, तो ये है मूलतः 7 मंजिला है ये, मूलतः क्या है 7 मंजिला महल। ठीक है, मूलतः 7 मंजिला महल है। ठीक है, इसमें जो भी मंजिलें हैं उनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी मंजिलें हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इनकी मंजिलों की तरफ। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों इसकी मंजिलें कौन कौन सी है। तो यह सुख महल, सुख महल, इसके अलावा क्या है पोती खाना। ठीक है, इसके अलावा क्या है महकमा एकास, इसके अलावा क्या है दीवान एकास, दीवान ए खास। ठीक है, 7 है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है दोस्तों, शास्त्रागार है और सर्वत्रोभद्र है। शास्त्रागार है, शास्त्रागार है, सर्वत्रोभद्र है। इसके अलावा 7वीं मुकुट मंदिर, मुकुट मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने चंद्रमहल सिटी पहले से जयपुर का है उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। ठीक है ना, इसके अलावा मैं जो भी उदयपुर का है उसके बारे में बता देता हूँ। उदयपुर में दोस्तों क्या है, उदयपुर में भी इस प्रकार से महल है, उसमें उसके अंदर भी बहुत सारी महल है, तो उनको पढ़ते हैं एक एक को। तो इसमें है दोस्तों कृष्णा महल, कृष्णा महल, इसके अलावा क्या है दिलकुश महल, इसके अलावा क्या है माणिक महल, इसके अलावा दोस्तों मोती महल, इसके अलावा दोस्तों नवचौकी महल, नौचौकी महल, इसके अलावा है दोस्तों राय आंगन महल, राय आंगन महल, राय आंगन महल। इसमें क्या ये जो चंद्रमहल ऐसी सिटी पैलेस है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत भी ये सारे बहुत बहुत सारे महल है। और जो मेवाड़ के जो महाराणा थे ना दोस्तों, तो उनका जो भी राज तिलक होता था वो होता था इस महल में, नौचौकी महल में। तो यहाँ पे लिखा देता हूँ मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक। जो भी मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों, उनका जो भी राज तिलक होता था वो इसी महल में होता था दोस्तों। कौन से महल में होता था, नौचौकी महल में। तो मैंने आपको चंद्रमहल सिटी पैलेस जो दोनों थे उदयपुर के और जयपुर के, वो आपको मैंने कंपैरिजन में पढ़ा दिया है दोस्तों। उसके आगे जो महल है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अलवर के जो महल है उनकी तरफ। अलवर में कौन कौन से महल है वो, ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं अलवर के महल, अलवर में कौन कौन से महल है दोस्तों। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों विजय मंदिर,
पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है अलवर में। आपको नाम से ऐसे लग रहा होगा कि विजय, इसका जो निर्माण है महाराजा विजय सिंह ने करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण तो निर्माण करवाया था दोस्तों इसका महाराजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने, लेकिन इसका जो निर्माण है वो, इसका नाम है विजय विजय मंदिर पैलेस क्यों रखा? लेकिन वो इसलिए रखा है क्योंकि जिसका निर्माण हुआ है वो विजय मंदिर, जो विजय विजय सागर जो झील है उसके किनारे है ये, इस कारण से। तो ये किसके किनारे है? विजय सागर झील के किनारे है ये। किसके किनारे है दोस्तों? विजय सागर झील के किनारे है, इस कारण से। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है वो 1918 में हुआ है, 1918 में हुआ है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, ये एक जहाज की आकृति में निर्मित है, आकृति जहाज की आकृति में निर्मित। ठीक है दोस्तों, एक जहाज की आकृति में निर्मित है ये। तो ये हो गया विजय मंदिर पैलेस। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अलवर का, अलवर का दूसरा है उसको बोलते हैं अलवर का लेक पैलेस, अलवर का लेक पैलेस। अलवर का लेक पैलेस किसको बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं सीली सेठ महल को। ठीक है, अलवर का लेक पैलेस किसको बोलते हैं? सीली सेठ महल अलवर को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी शीला के लिए। निर्माण निर्माण करवाया महाराजा विनय सिंह, अलवर के क्या थे? शासक विनय सिंह अपनी रानी, अपनी रानी शीला के लिए करवाया। अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो सीली सेठ हो इसके लिए पड़ा क्योंकि जो जिसका जो निर्माण हुआ है इसके पास एक झील है दोस्तों, वो है अलवर में स्थित है, और वो है सीली सेठ झील के किनारे। ठीक है, ये है किस किनारे? तो ये है सीली सेठ झील के किनारे, सीली सेठ झील के किनारे। और वहीं पे क्या है? सेठ माता का मंदिर है, सेठ माता का मंदिर। ठीक है, यानी कि ये जो महल है इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से महल है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से महल है, यहाँ पे एक मंदिर है, एक प्रकार का ऐसे मंदिर है, ये है सेठ माता का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे पास में एक झील है, झील है, और वो कौन सी झील है दोस्तों? सीली सेठ झील है, सीली सेठ झील। और ये मंदिर कौन सा होगा? सेठ माता का मंदिर। ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों अलवर का लेक पैलेस या सीली सेठ महल। सीली सेठ महल तो हमने पढ़ लिया है, ये अलवर के जो थे महल वो पढ़ लिया है दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में एक तो है एक थंबा महल और एक है एक थंबिया महल, और वो कहाँ कहाँ है तो उनको भी पढ़ लेते हैं कंपेरिजन में दोस्तों।
तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका, या आप नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके। एक तो है दोस्तों, एक थंबिया महल और एक है एक थंबा महल। इनको हम कैसे पढ़ेंगे? कंपैरिजन में पढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे? कंपैरिजन में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक एक थंबिया महल कहाँ है और एक थंबा महल कहाँ है तो वो जान लेते हैं। एक थंबिया महल तो यह है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। यह है गेप सागर झील के किनारे। किस झील के किनारे है दोस्तों? ये गेप सागर झील के किनारे है। गेप सागर झील के किनारे, ठीक है दोस्तों। और ये है एक थंबा महल जिसको एक प्रहरी मीनार भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। थंबा महल कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में है। ये पे कहाँ पे है दोस्तों? मंडोर में है। और मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में। अब आती है इनकी निर्माण की बात, कि निर्माण किसने करवाया। निर्माण निर्माण इस एक थंबिया जो महल है इसका निर्माण करवाया था शिव सिंह। यहाँ के जो शासक थे शिव सिंह थे दोस्तों, तो शिवनाथ सिंह ने करवाया था शिव ज्ञानेश्वर के लिए। शिवनाथ शिव ने शिवनाथ सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था अपने अपने जो गुरु थे उनके लिए करवाया था, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया दोस्तों। गुरु के लिए नहीं करवाया था, और इन्हें करवाया था शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो शिवनाथ सिंह ने अपने शिवनाथ सिंह ने शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और जो एक थंबा जो महल है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दोस्तों अजीत सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने। निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने, ठीक है। ये एक खंबे पर स्थित है, एक खंबे पर स्थित इसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं। प्रहरी दोस्तों।